हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू अवर ऑनलाइन चैनल एग्ज़ाम चैट विद सोनिया। मैं हूँ सोनिया और जैसे कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं, आपका एचएसएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता ही होगा कि उसकी टेंटेटिव डेट आ गई है, क्लर्क वगैरह की, पटवारी वगैरह की टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट नहीं आई है। टेंटेटिव ये डेट में ये कह रहे हैं कि 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो क्योंकि 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है या चांसेस है होने के, तो इसलिए आज मैं आपके साथ जो चैप्टर लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। जो ये चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है वेव यानी तरंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही ईजी वे से करेंगे, तो विद इन 10 मिनट्स आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। बस आपको एक बार ये वीडियो देखना है, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है ताकि ये वीडियो वो भी अच्छे से कर पाएँ और ये चैप्टर समझ पाएँ। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब 90% आपके चांस है कि इस वीडियो में से आपका 1 मार्क्स आएगा ही आएगा क्वेश्चन। क्योंकि जो ये चैप्टर है वेव वाला और उसके बाद जो चैप्टर हम करेंगे साउंड वेव वाला, दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में, एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में या सीजीएल का भी कोई, अगर आप सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर भी इनमें से एक क्वेश्चन आता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपका जैसा कि चैप्टर का नाम है वेव यानी तरंगे, तो हम चैप्टर को हम स्टडी करेंगे वेव या तरंगे क्या होता है आपका। देखिए, वेव या तरंगे क्या होता है, जब आपके किसी भी माध्यम के कण, मतलब जब आपके क्या होते हैं, कोई भी माध्यम है, माध्यम क्या हो सकता है आपका, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका जो माध्यम है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कोई भी मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस, अगर उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब क्या करेंगे, कोई भी मीडियम ले लिया, जैसे मान लीजिए हम सॉलिड ले लेते हैं, और सॉलिड के, मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल हैं, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स, या मैं ये कह दूँ इस ठोस माध्यम के कण क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि कंपन करते हैं। जब वो कंपन करते हैं तो उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। उसी को क्या कहते हैं हम, उसी ऊर्जा रूप जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग या वेव कहते हैं। हम डेफिनेशन से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, तरंगे या वेव क्या होता है, वह विधि जिसमें माध्यम के कण, माध्यम यानी मीडियम, कण मतलब मीडियम के पार्टिकल्स, माध्यम के कण एक स्थान पर ही कंपन करते हैं। वो क्या करते हैं, ये नहीं है कि ये पहला माध्यम का कण है, एक बार थोड़ा सा गैप करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए पहला कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, और ये चौथा कण है। ये कह रहा है, ये नहीं है कि ये कंपन करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा पहला कण, नहीं, ये कह रहा है कि एक ही स्थान पे कंपन करते रहेंगे, मतलब इस तरह से माध्यम के कण क्या करते रहेंगे, एक ही स्थान पर कंपन करते रहेंगे। और इनके कंपन करने से, देखो आगे क्या कह, तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे जाती है, मतलब क्या कह रहा है, ये कहता जो माध्यम का कण है वो एक स्थान पर ऐसे कंपन करता रहेगा, और वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, और ये सेकेंड कण उसको थर्ड कण को एनर्जी देगा, और थर्ड कण फोर्थ कण को एनर्जी देगा, और फोर्थ कण फिफ्थ कण को एनर्जी देगा। इस तरह से जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, या मैं कहूं इस तरह से जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि यहां पे मान लीजिए स्टूडेंट्स बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये 5 स्टूडेंट बैठे हैं यहां पे। अब मैंने क्या करना है, मैं एक बुक लेके आई और मैंने स्टूडेंट को दे दी, ठीक है। अब इस स्टूडेंट ने ये बुक कहाँ पहुँचानी है, फिफ्थ पर्सन के पास पहुँचानी है, मतलब एक पर्सन है यहाँ पे पहले नंबर पे जो व्यक्ति बैठा है, उसने जो बुक है, ये किताब है, वो 5वें नंबर के व्यक्ति तक पहुँचानी है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है, पहले नंबर वाला बुक जो व्यक्ति है वो बुक दूसरे नंबर को दे देता है, दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर को दे देता है, तीसरे नंबर वाला वो बुक चौथे नंबर को दे देता है, और चौथे वाला वो बुक किसको करता है, 5वें नंबर को देता है। तो बुक देखो, क्या ये पहला व्यक्ति यहाँ तक उठ के 5वें तक गया, नहीं, इसने क्या किया, खुद अपना उठ के नहीं गया, पर फिर भी बुक इसने 5वें नंबर तक पहुँचा दी। कैसे पहुँचाई, इसने बुक इस तरह से ट्रांसफ़र की, मतलब पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा और 5वां, इस तरह से इसने बुक का क्या किया, ट्रांसफ़र किया। इसी तरह से क्या होते हैं आपके जो माध्यम के कण या मीडियम के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपना क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऊर्जा का स्थान, मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, और अपनी पोजीशन में, अपने स्थान में कोई बदलाव नहीं करते। इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन से आप इसको समझ सकते हो, किसी माध्यम में वह विक्षोभ, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब कहते हैं किसी भी माध्यम से जो डिस्टर्बेंस होती है, मतलब जैसे आप देखो, अब ये कण यहाँ है,
अब ये दूसरा कण यहाँ था, तीसरा कण यहाँ था, चौथा कण यहाँ था। तो अब जैसे ये कंपन करेंगे, जैसे ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करें, इनके वाइब्रेट करने से क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी। उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कह देते हैं, वेव बोल देते हैं या फिर तरंग बोल देते हैं, जो क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन किए बिना, मतलब अपना पोजीशन चेंज किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मतलब आगे की तरफ बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और ये वेव किस फॉर्म में होती है, इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो जाती है, ये इस फॉर्म में, ये क्या है आपकी वेव या फिर तरंग है, इसको क्या बोलते हो आप, वेव या तरंग बोलते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, वेव क्या होती है, वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो उनके अंदर क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी। तो कहता है वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट्स, वो क्या करती है, जो प्रोपेगेट करती है किसको, एनर्जी को, खुद तो वो प्रोपेगेट नहीं होती ना, ये पार्टिकल खुद तो प्रोपेगेट नहीं होता, तो ये पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को प्रोपेगेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है कि वो पार्टिकल क्या करता है, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है या वो एनर्जी को प्रोपेगेट करवाता है, कहाँ से, फर्स्ट पार्टिकल से लास्ट पार्टिकल तक, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका वेव कहते हैं। तो क्या हो गया आपका वेव, ये आपको वर्ड याद रखना है, वेव क्या होता है आपका, एक तरह की डिस्टर्बेंस है जिससे पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। पार्टिकल ने क्या करना है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, उसी को हम क्या कह देते हैं, वेव कह देते हैं। अब जो वेव है वो कितने टाइप्स की होती है, ये आपका क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ वेव। तो आपकी जो वेव है वो टू टाइप्स की होती है, कौन सी टू टाइप्स की वेव होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। आपकी जो वेव है वो कितने टाइप्स की होती है, आपकी जो वेव है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव, और सेकंड जो होती है आपकी वो होती है अयांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बताया मैंने आपको, देखो डायग्राम से समझते हैं इसको, जो वेव है आपकी, वेव्स है या आप इसको क्या बोल देते हो हिंदी मीडियम में, तरंगे, जो वेव या तरंगे हैं ये आपकी कितनी तरह की होती है, ये टू टाइप्स की होती है। पहले तो कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल्स वेव, जिसको आप क्या बोल देते हो, यांत्रिक तरंगे, क्या बोलते हो आप इनको, यांत्रिक तरंगे। और दूसरी कौन सी वेव होती है आपकी, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, या आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हो, इसको आप और क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, कौन सी तरंगे, अयांत्रिक या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये दो तरह की तरंगे होती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो यांत्रिक तरंगे या इसको आप बोलते हो मैकेनिकल वेव, या फिर होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिक तरंगे। अब ये यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे होती क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि जो हम यांत्रिक तरंगे होती हैं ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। यांत्रिक तरंगे क्या होती है, फर्दर टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है फर्दर टू टाइप्स की, अनुधैर्य तरंग, अनुधैर्य तरंगे, एक तो होती है आपकी अनुधैर्य तरंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और ये एक होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स वेव। ये होती है आपकी दो तरह की तरंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव या ट्रांसफर वेव्स। मैकेनिकल वेव के आगे ये दो टाइप है, अनुधैर्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती है, अनुधैर्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे।
अयांत्रिक तरंगों को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि ये कौन सी होती है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे आपकी कैसी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए या जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता होती है। मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए, ऐसी तरंगे जिनको गमन करने के लिए, गमन या आप कह सकते हो चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम क्या हो सकता है आपका? माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कौन सी तरंगे कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। माध्यम आपका क्या हो सकता है? वो माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, वो माध्यम आपका द्रव भी हो सकता है, और वो माध्यम आपका क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी माध्यम हो, मतलब ऐसा माध्यम, मतलब ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और वो माध्यम आपका ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। मीन्स व्हाट आर द मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। मतलब मैकेनिकल वेव क्या होती है? ऐसी वेव्स होती है जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीडियम विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी हो सकता है वो मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर से। तो अब ये बात हो गई हमारी मैकेनिकल वेव्स की। ये तो होती है हमारी मैकेनिकल वेव जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? साउंड वेव्स। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? साउंड वेव्स, मतलब कि ध्वनि तरंगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब मैकेनिकल वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो ये कौन सी होगी आपकी? यांत्रिक तरंगे। तो अयांत्रिक तरंगे कौन सी होगी? अब देखो, मैकेनिकल वेव कौन सी थी जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, तो नोन लग गया आगे, या हम हिंदी में कहूँ ए लग गया आगे। तो इसका मतलब ये कौन सी तरंगे होगी जिसको, ऐसी तरंगे जिनको ट्रैवल करने के लिए या ऐसी तरंगे जिनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी तरंगे? जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन तरंगों को हम क्या कह देते हैं? आवश्यकता नहीं होती, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्सरेस, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी आपकी क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेशन या इन प्रोपेगेशन। मतलब ऐसी मैकेनिकल वेव्स या ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे आपके? उदाहरण हो जाएंगे इसके आपके एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। ये सारी की सारी क्या होती है आपकी? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। अगर इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि ये तरंगे कहाँ गमन कर सकती है, फिर कहाँ ट्रैवल करती है? ये तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है। मतलब कि ये तरंगे निर्वात यानी कि वैक्यूम, ये तरंगे क्या करती है? वैक्यूम में से पास होती है। मतलब वैक्यूम मतलब निर्वात में गमन करती है। और ये जो तरंगे होगी मैकेनिकल वेव, ये निर्वात या वैक्यूम में से गमन नहीं कर सकती। ये निर्वात या नॉन मैकेनिकल वेव निर्वात या वैक्यूम में गमन करती है, और मैकेनिकल वेव आपकी निर्वात या वैक्यूम के अंदर गमन नहीं करती। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद ये हो गया आपका मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम नॉन मैकेनिकल वेव को यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमने मैकेनिकल वेव की फर्दर स्टडी। मैकेनिकल वेव जैसा मैंने आपको अभी बताया, यांत्रिक वेव के आगे पढ़ेंगे। यांत्रिक वेव दो तरह की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों तरंगों के बारे में हम वेव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो वेव्स होती है आपकी यानी कि तरंगे जो होती है वो आपकी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, अभी हमने डिस्कस किया। कौन कौन सी तरंगे डिस्कस की हमने? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स
ये कौन सी तरंगे डियर? यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे हैं हम। कौन सी तरंगे? दो तरह की होती है, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे आगे फर्दर दो टाइप्स की होती है, यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में हम आगे डिस्कस करें। अभी आपको मैंने बताया कि जो मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे कौन से होती है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? जब आपके कणों के कंपन की दिशा, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मान लो आपके ये किसी भी माध्यम के कण है, ये थोड़ा दूर करके दिखा देते हैं कि आप समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपके माध्यम के कण करे कंपन करे इस दिशा के अंदर, माध्यम के कणों की कंपन क्या है, इस दिशा के अंदर है, और आपकी इससे जो तरंग उत्पन्न हो रही है, तरंग भी क्या कर रही है, इसी दिशा के अंदर उत्पन्न हो रही है। मतलब मैंने क्या बताया, आपके जो माध्यम की कणों की दिशा है वो भी हॉरिजॉन्टल है, और आपके जो कण उत्पन्न हो रहे हैं वो भी हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है, आपके माध्यम के मीडियम्स के जो पार्टिकल है, माध्यम के कण, मतलब मीडियम्स के पार्टिकलों की कंपन, माध्यम के कणों की कंपन। ये क्या है, आपके माध्यम के कणों की कंपन, मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। ब्लैक कलर से मैंने क्या दिखाया कि आपके जो पार्टिकल्स हैं जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो उससे वेव प्रोड्यूस होगी, और जो ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, मतलब मैंने क्या बताया, जो ये वेव प्रोड्यूस, मतलब जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो भी किसी दिशा में हो रही है, इसी दिशा में हो रही है। मतलब तरंगों के उत्पन्न की दिशा भी ये, और आपके जो कण कंपन करें उसकी दिशा भी ये। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, या फिर आप इसको कह सकते हो अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन से समझ आई क्या होगा, देखो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जब माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, मतलब माध्यम के कण है वो कंपन कर रहे हैं उनकी दिशा, तथा तरंग की गति की दिशा समांतर हो जाए, मतलब समांतर यानी पैरेलल हो जाए, दोनों की दिशा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके, जैसे जो आपके कई बार भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसके अंदर जो तरंग उत्पन्न होती है वो क्या है, आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भूकंप की तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा, भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। मतलब जो अर्थक्वेक से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो किस तरह की वेव्स है, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर, बोथ, और नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है जो भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती है, या एयर के अंदर जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस होती है, या मैं कह दूं वायु के अंदर उत्पन्न तरंगे, वो भी क्या है, आपका इसी का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य की तरंगों का उदाहरण है। या अगर मैं आपको कह दूं कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, साउंड वेव या ध्वनि तरंगे, या जो स्प्रिंग के अंदर तरंगे उत्पन्न होती है। देखो आपका स्प्रिंग कुछ इस तरह का बना होता है, जो आपका स्प्रिंग बना होता है, स्प्रिंग कैसा होता है आपका, कुछ इस तरह का होता है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग बना होता है, जैसे ही आप इसको खींचते हो तो कुछ इस तरह से हो जाता है आपका स्प्रिंग, राइट। तो ये इसमें जो स्प्रिंग में जो ये वेव बन रही है, ये वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी तरंगे होती है, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। स्प्रिंग भी इसका उदाहरण, स्प्रिंग में जो तरंगे प्रोड्यूस होती है वो भी इसका उदाहरण हो जाएगा, भूकंप की तरंगे भी इसका उदाहरण है, वायु में उत्पन्न तरंगे भी इसका उदाहरण है, ध्वनि तरंगे भी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होते हैं। तो दूसरी होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मतलब जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो कुछ इस तरह से बनती है, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप में ऐसे बिछी हुई इस तरह से। ये जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, या आप इसको क्या कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ये, आपकी अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की वेव की। अगर आप इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या हो जाए, इफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कहता अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं आपके इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपके मीडियम्स के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लाइक वेव इन ए स्प्रिंग, साउंड वेव्स, वेव प्रोड्यूस इन एयर, वेव प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थक्वेक, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर वेव। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रांसफर वेव्स की, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों की। सारी चीज़ सेम ही रहेगी, जब माध्यम के कणों की दिशा क्या हो जाती है, आपकी
जो वेव, जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा के समांतर हो जाती है। क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपके जो माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, अब माध्यम के कण कैसे कंपन कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करें, ये माध्यम के कणों की कंपन की दिशा है। मतलब ये क्या है, आपके जो किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करें इस डायरेक्शन के अंदर, मैं डायरेक्शन भी आपको शो कर देती हूँ, ऐसी डायरेक्शन की इस दिशा के अंदर माध्यम के कण आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आपकी जो तरंग उत्पन्न हो रही है, तरंग कैसी हो रही है, इसके लंबवत मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है। जो तरंग उत्पन्न है उसकी दिशा क्या है, इसके लंबवत। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की तरंग को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर आप कह सकते हो इनको ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, या इसको कहोगे ट्रांसवर्स वेव। मतलब ये किस तरह की तरंगे होगी, फिर देखने में कैसे मिलेगी आपको ये तरंगे, कैसे देखने में मिलेगी ये तरंगे, जो आपको मिलेगी वो कैसे देखने में मिलेगी, वो कुछ इस तरह की होगी आपकी तरंगे। मतलब ये वाली, ये देखो बिल्कुल इसके ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये देखो ये वाला जो है ये तरंग क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, ये देखिए लंबवत है इसके। जब आपकी तरंगे क्या होगी, लंबवत होगी, तो उस तरंगों को क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जनरल लाइफ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, जब आप पानी के अंदर किसी भी तालाब के अंदर कोई पत्थर मारते हो तो उसके सामने क्या बन जाते हैं, इस तरह के रिपल्स बन जाते हैं, छल्ले से बन जाते हैं इस तरह के पानी के अंदर, उनको क्या कहते हैं, वो कैसी तरंगे होती है आपकी, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। या फिर अगर आपने क्या कर दिया, किसी भी पेड़ के पास आप ऐसी रस्सी बांध लेते हो, ऐसे एक सीधी रस्सी बांधते हो, और जब आप उसको ऐसे करते हो तो रस्सी कैसे ऐसे क्रिया करती है, उसको हम क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसवर्स वेव, या फिर आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत हो तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, एक पेड़ से बंधी हुई डोरी, या पानी के अंदर जब हम पत्थर डालते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसको पढ़ना चाहे तो आप कैसे, इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स वेव। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता ही आता है, कि आपके जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो कौन से माध्यम में चल सकती है। तो आपके जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। अनुप्रस्थ तरंगे आपकी तीनों के तीनों माध्यम में से गमन कर सकती है, पर अनुदैर्ध्य तरंगे आपकी क्या करती है, तीनों के तीनों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है वो आपके तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में पास करती है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, अनुप्रस्थ तरंगों की, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स की, जो ट्रांसवर्स वेव है वो आपकी सिर्फ सॉलिड और लिक्विड मीडियम के अंदर ही ट्रैवल करती है। ये आपसे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है कि जो ट्रांसवर्स वेव है कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है, तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में, यानी कि ठोस और द्रव की ऊपरी सतह में ट्रैवल करती है या गमन करती है, और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। तो ये था सारा चैप्टर आपका तरंगों के बारे में। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि यांत्रिक तरंगे कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, कौन सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, और अयांत्रिक तरंगे बहुत तरह की हो सकती है, एक्सरे आपकी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, पराबैंगनी तरंगे, ये सारी की सारी अयांत्रिक तरंगे हैं, और अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये तरंगों वाला चैप्टर ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे हम वो क्या करेंगे, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आपके खुद के चैनल एग्जाम चैट विद सोनिया को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।